नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जनरल नॉलेज, छत्तीसगढ़ के सेंसस 2011 के फैक्ट्स और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ बेसिक और स्पेशल फैक्ट जो कि सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ जो पीएससी जो एग्जाम कराती है पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्लस छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी और ये मेरी फेसबुक आईडी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का देखिए लिटरली मीनिंग होता है छत्तीसगढ़, यानी कि 36 फोर्ट्स। ये कुछ कुछ हिस्टोरियंस में बिलीव है कि ऐसा छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि 36 फोर्ट थे कभी। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे छेदी रहते थे जो कि उड़ीसा में थे, वो हम देखेंगे अभी आगे, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर ये 10th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में एरिया वाइज, नंबर वन पे है राजस्थान, नंबर टू पे है एमपी। एमपी से ये 2000 में अलग हो गया था और छत्तीसगढ़ बन गया था। एमपी का जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है वो निकल के छत्तीसगढ़ बन गया था। छत्तीसगढ़ का एरिया है 1,35,594 किलोमीटर स्क्वायर, 1,35,194 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है छत्तीसगढ़ का। 10th लार्जेस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़ एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज छत्तीसगढ़ की रैंक कितनी है, 17th। छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है करीबन जो 2011 के सेंसस में आई थी वो थी 2.56 करोड़, लेकिन ये फिर बढ़ गई है अभी, ये करीबन 28 मिलियन यानी कि 2.8 करोड़ हो गई। छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन वाइज 17th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है पूरे इंडिया का, और ये एरिया वाइज कितनी रैंक है इसकी, 10th। तो आप इसमें याद कर लिए कि एरिया वाइज जो छत्तीसगढ़ की रैंक है वो है 10th, और जो पॉपुलेशन वाइज छत्तीसगढ़ की रैंक है वो है 17th। ये पहले 16th थी, लेकिन फिर जब आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हो गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल गया, उसके बाद से ये जो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन वाइज रैंक हो गई 17th हो गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट हब है छत्तीसगढ़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील और इलेक्ट्रिक पावर के लिए। 15% टोटल स्टील जितनी भी इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो छत्तीसगढ़ से आती है। छत्तीसगढ़ इज सराउंडेड बाई 7 स्टेट, 7 स्टेट से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट्स इन इंडिया। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मध्य प्रदेश का साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलता था उसको हटा के एक स्टेट बना दिया था जिसका नाम रख दिया गया छत्तीसगढ़। और जब स्टार्ट हुआ था तो छत्तीसगढ़ के सिर्फ 26 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ में जब ये छत्तीसगढ़ बना था तब सिर्फ 16 डिस्ट्रिक्ट थे, 16 डिस्ट्रिक्ट थे, और जो अब बढ़ के हो गए हैं 27। अभी छत्तीसगढ़ में अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखें तो 5 वहां पे डिवीजन है और उसमें 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो अभी हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। ये लोकेशन और बॉर्डर अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में मध्य प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ का देखिए इंडिया में मैप है, और ये अगर आप देखें तो इसके नॉर्थ ईस्ट में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है इसके साउथ वेस्ट में, ये है महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना इसके साउथ में, ये तेलंगाना है साउथ में, उड़ीसा इसके साउथ ईस्ट में है, और झारखंड इसके नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर प्रदेश इसके एग्जैक्ट नॉर्थ पे है। तो ये छत्तीसगढ़ के जो ये सराउंडिंग स्टेट है, और एक और है तो ये स्टेट है। देखिए आप छत्तीसगढ़ में देखिए नॉर्थ में, ये अगर पूरा मैप आप देखें, ये पूरा ही गवर्नमेंट जो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है उससे लिया गया ये मैप। तो ये छत्तीसगढ़ का अगर आप देखें, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ के झारखंड है, फिर अगर आप देखें छत्तीसगढ़ के ईस्ट में उड़ीसा है, फिर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है साउथ में, और ये साउथ वेस्ट में है महाराष्ट्र, और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का अगर आप देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला एरिया वाइज, तो छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है सुरगुजा,
सुरगुजा ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ये सबसे नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये झारखंड से और उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, ये आप इसमें देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है जशपुर, और छत्तीसगढ़ का जो साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है दंतेवाड़ा। नहीं, इसमें ये स्टेट, ये सिटी दी हुआ है, ये मैंने गलत बता दिया आपको, एक मिनट इसको हटा दीजिए आप। ये सिर्फ इसमें ये मैप इसलिए दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के जो सराउंडिंग स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। नॉर्थ में यूपी है, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड है, ईस्ट में उड़ीसा है, नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश है, और वेस्ट में मध्य प्रदेश, वेस्ट में है महाराष्ट्र, और साउथ में है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आप देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के इस समय 27 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट वाला पोजीशन हम देखेंगे, ये वाला जो मैं मैप बता रहा था गलत है, ये सिटीज है यहाँ पे। तो देखिए अभी इस समय छत्तीसगढ़ के टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 27। जब छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में, तब इसके पास 16 डिस्ट्रिक्ट थे, 16 वो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती थी। फिर उसके बाद दो नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, बीजापुर और नारायणपुर 2007 में, तो हो गया 18, और फिर फाइनली 9 और डिस्ट्रिक्ट नए बना दिए गए 2012 में। तो फाइनली इस समय जो छत्तीसगढ़ की पोजीशन है, छत्तीसगढ़ के पास 27 डिस्ट्रिक्ट है और 5 डिवीजन है, ये आप याद रखिएगा। इसमें देखिए 5 डिवीजन आपको दिए हुए हैं, पहला डिवीजन है सुरगुजा डिवीजन है, दूसरा है बिलासपुर डिवीजन है, डिवीजन सबसे बड़ी यूनिट होती है, और फिर उसके अंडर आता है डिस्ट्रिक्ट, उसके अंडर आता है फिर ब्लॉक, फिर तहसील, ऐसे करके आता है, फिर विलेज। तो ये डिवीजन है, फिर ये जिला है, फिर ये तहसील है, फिर ब्लॉक है, ये सब है। तीसरा जो डिवीजन है वो है दुर्ग, चौथा है रायपुर, पांचवा है बस्तर डिवीजन। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में? बस्तर में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। बस्तर डिवीजन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, कंकेर है, नारायणपुर है, कोंडा गांव है, जगदालपुर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, सुकमा है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बस्तर में, और 5 टोटल इनके डिवीजन है छत्तीसगढ़ के, और 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, 527 आप याद रखिए, 5 डिवीजन, 27 डिस्ट्रिक्ट। 5 में सबके डिस्ट्रिक्ट नाम लिखे हुए हैं। सुरगुजा में देखिए 5 है, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, सुरगुजा, और बिलासपुर में बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, ये सब। दुर्ग में 5 ये दिए हुए हैं, रायपुर में है महासामुद, बलौदा बाजार, गरियाबाद, गरिया बांध, रायपुर और धन्वंतरी, और फाइनली जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है बस्तर में। फिर ये छत्तीसगढ़ का पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैप दिया हुआ है, इसमें से पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है बलरामपुर, तो ये आप याद रखिएगा। ये मैं पहले आपको फिगर बता रहा था वो गलत, उसमें सिटी मैंने आपको बता दिया था, एक्चुअली सिटी को एज अ डिस्ट्रिक्ट बता दिया था। तो छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो बलरामपुर है, छत्तीसगढ़ का जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये सही बताया था, ये जशपुर है, छत्तीसगढ़ का जो साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है सुकमा, और छत्तीसगढ़ का जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो होगा बीजापुर। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी ये छत्तीसगढ़ के जो 27 डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसमें दिए हुए हैं, देखिए कोरिया है, सूरजपुर है, फिर बलरामपुर है, फिर ये सुरगुजा है, फिर जशपुर है, रायगढ़ है, कोरबा है, बिलासपुर है, ये पूरे दिए हुए हैं, 27 के 27 नाम दिए हुए हैं, बालोद है, राजनांदगांव है, ये सब है इसमें। छत्तीसगढ़ के कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन मैंने बताया आपको, डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया था और नया नया स्टेट बन गया था, जिसको बोला गया छत्तीसगढ़। उस समय इसके जो डिस्ट्रिक्ट थे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे 16, फिर फाइनली 2007 में 2 और जोड़े गए, और 2012 में 9 और जोड़े गए। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नया रायपुर, या फिर रायपुर है। लेजिस्लेटिव जो जुडिशरी जो कैपिटल है वो बिलासपुर है, मतलब कि हाई कोर्ट इसका बिलासपुर में है। लार्जेस्ट सिटी है रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27। गवर्नमेंट अगर आप देखें तो गवर्नर छत्तीसगढ़ में इस समय है बलराम जी दास टंडन, चीफ मिनिस्टर है रमन सिंह, बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में देखिए यूनी कैमरल सिस्टम है, यानी कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ विधानसभा है,
वहां पे विधान परिषद नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में किस किस स्टेट में है, तो उसका सही आंसर है 7 स्टेट हैं। पहले 6 थी लेकिन फिर आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हो गया था, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में इस समय यानी कि इस समय टोटल जो नंबर ऑफ स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद है वो 7 है। 7 के नाम लिख के आप बताइएगा। छत्तीसगढ़ में इस समय यूनिकैमरल सिस्टम है यानी कि सिर्फ विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, विधान परिषद नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट है 90+1, 90 लोगों का इलेक्शन होता है और एक ये नॉमिनेटेड होता है एंग्लो इंडियन। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि छत्तीसगढ़ में देखिए लोकसभा की जो सीटें हैं वो 11 हैं, छत्तीसगढ़ में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 11 है। लोकसभा की जो सीटें होती हैं उनको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से 11 है। और छत्तीसगढ़ से 5 राज्यसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट देखिए बिलासपुर में, इसीलिए यहाँ पे इसकी जुडिशियल कैपिटल है। छत्तीसगढ़ का एरिया ये दिया हुआ है 1.35 लाख स्क्वायर किलोमीटर और एरिया वाइज इसकी रैंक 10th। पॉपुलेशन जो सेंसस 2011 के हिसाब से थी वो थी पॉपुलेशन 2.56 करोड़, और टोटल अगर पॉपुलेशन वाइज छत्तीसगढ़ की रैंक देखेंगे 17th है। ये गलत दिया हुआ, छत्तीसगढ़ की डेंसिटी इस समय 189 है। जो सेंसस 2011 के हिसाब से थी 189, इस समय 210 हो गई, विकिपीडिया में दिया हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन स्क्वायर किलोमीटर, इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो छत्तीसगढ़ की काफी कम है 189, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, रेड वाला जो रेड कॉरिडोर वाला एरिया है, नक्सलवाद और वो सब माओइज्म, ये सब यहाँ पे काफी ज्यादा है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो ज्यादातर पार्ट है वो नॉर्थ में, अगर आप देखें तो हिल्स में, नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट हिल्स में कवर, और सेंट्रल पार्ट कुछ फर्टाइल है। करीबन 40, देखिए कई जगह लिखा हुआ है 41% और कुछ जगह लिखा हुआ है 44%, तो 40% से ऊपर जो स्टेट का एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। और फॉरेस्ट कौन कौन से, मॉइस्ट एंड डेसिड्यूअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड फॉरेस्ट यहाँ पे। तो पूरे स्टेट का जितना भी एरिया है 1.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, उसमें से 40% से ज़्यादा जो एरिया है वो मॉइस्ट और डेसिड्यूअस फॉरेस्ट से कवर है। छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल आपको जानना चाहिए, वन भैंसा, जिसको कि वाटर वाइल्ड बफेलो कहते हैं। छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना, हिल मैना। स्टेट ट्री है छत्तीसगढ़ का साल, या फिर सराई भी बोलते हैं उसको। नॉर्थ पार्ट जो होता है छत्तीसगढ़ का वो ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यूपी वाला एरिया, बिहार वाला, उसको टच करता है। रिहांद रिवर यहीं से पास होती है, और फिर ईस्ट जो सतपुड़ा रेंज का जो ईस्ट वाला पार्ट है, और प्लस छोटा नागपुर का जो वेस्ट वाला पार्ट है, वो ईस्ट वेस्ट बेल्ट मिला के छत्तीसगढ़ में जो महानदी का रिवर बेसिन है उसको ये डिवाइड करता है। छत्तीसगढ़ स्टेट का जो आउटलाइन है इट इज लाइक अ सी हॉर्स। सेंट्रल पार्ट जो छत्तीसगढ़ का है वो फर्टाइल अपर बेसिन है, और यहाँ पे महानदी और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है, काफी फर्टाइल है ये एरिया। फिर छत्तीसगढ़ का जो अपर महानदी वाला बेसिन है वो अपर नर्मदा बेसिन से मैकाल से ये सेपरेटेड है, मैकाल हिल्स हैं जो। और प्लस जो छत्तीसगढ़ का साउदर्न पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू में है। महानदी जो रिवर है छत्तीसगढ़ की, ये चीफ रिवर है, सबसे मुख्य नदी है स्टेट की छत्तीसगढ़ की। कुछ और भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे कि हसदो, ये एक ट्रिब्यूटरी है महानदी की। फिर रिहान भी है छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में जो पास होती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर इंद्रावती भी है जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। फिर जोंक है, अर्पा है, शिवनाथ है। एक अमृत धारा वाटरफॉल है कोरिया नाम की जगह में, जो कि छत्तीसगढ़ में। कोरिया एक प्रिंसली स्टेट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, छत्तीसगढ़ में ही। और ये जो अमृत धारा वाटरफॉल है ये सबसे फेमस वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ में, कोरिया नाम की जगह पे है ये। और ये नेचुरल वाटरफॉल है, और ये हसदो रिवर से ओरिजिनेट होता है। छत्तीसगढ़ में इस समय 11 नेशनल हाईवे पास होते हैं,
और उनकी जो टोटल लेंथ है करीबन 3,000 किलोमीटर के आसपास है। स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो छत्तीसगढ़ में पास होती है वो 8,031 किलोमीटर के करीब है। रेल नेटवर्क छत्तीसगढ़ का जो रेल नेटवर्क का सेंटर है वो बिलासपुर में है, और बिलासपुर ही साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छत्तीसगढ़ का जो रेल नेटवर्क है वो सेंटर उसका कहाँ पे है, बिलासपुर पे है, और बिलासपुर में ही साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रेल जंक्शन है छत्तीसगढ़ में, जैसे कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये जो इंडिया की मेजर सिटीज हैं उससे कनेक्टेड हैं। छत्तीसगढ़ के पास इस समय करीबन 1,187 किलोमीटर का रेलवे लाइन नेटवर्क है, जो कि नेशनल एवरेज से काफी कम है। तो रेल डेंसिटी काफी कम है छत्तीसगढ़ की। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी छत्तीसगढ़ काफी पिछड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे सिर्फ एक एयरपोर्ट इस समय वर्किंग है, जो इस समय प्रेजेंटली वर्किंग है, उसका नाम है रायपुर एयरपोर्ट, या फिर उसको स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भी बोलते हैं। और इट इज छत्तीसगढ़ सोल एयरपोर्ट, इकलौता एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ में रायपुर में, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। और यहीं पे, यहीं से इस समय जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल एयर सर्विसेज हैं वो हो रही हैं, बाकी एक दो पे और काम चल रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं वो, बाकी वर्किंग नहीं है। मतलब डेमोग्राफी अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ एक प्राइमरली रूरल स्टेट है, यानी कि और यहाँ पे करीबन 23% जो पॉपुलेशन है वो अभी हम देखेंगे सेंसस के डेटा में, तो छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन में से 23% अर्बन है। वो उसका जो जनसंख्या है अर्बन पॉपुलेशन की छत्तीसगढ़ की, देखिए 2.6 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, उसमें से 55 लाख के करीब लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर आप देखें तो जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 34% शेड्यूल्ड ट्राइब है, 12% शेड्यूल्ड कास्ट है, और करीबन 50% लोग यहाँ की जो ऑफिशियल लिस्ट है ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट उसमें इंक्लूडेड है। छत्तीसगढ़ में देखिए प्लेन वाले जो एरिया है, जो सेंट्रल प्लेन है, वो डोमिनेट कौन कौन सी कास्ट करती हैं, वो तेली, सतनामी और कुर्मी। जो फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं उनको कुछ ट्राइब ऑक्यूपाई करती हैं, जैसे कि गोंड, हल्बी, हल्बा, कमर, बुजिया एंड ओराव। ये अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में जो भी टोटल जनसंख्या है इस समय 2.6 करोड़ के आसपास, उसमें से अगर आप रिलीजन वाइज इसको ये डिवाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 93.2% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, 2% लोग मुस्लिम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, मतलब 2% वहाँ की जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की मुस्लिम। थर्ड नंबर पे आती है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन सिख सॉरी ईसाई लोग हैं थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हैं सिख और बुद्धिज्म, फिफ्थ नंबर पे हैं जैन। सबसे ज्यादा मतलब हिंदू हैं छत्तीसगढ़ में, 100 में से 93 हिंदू हैं, 2 मुस्लिम हैं, 1 ईसाई है, फोर्थ नंबर पे सिखिज्म और बुद्धिज्म है। फिर अगर आप देखें छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेज ऑफिशियल वो हिंदी है, लेकिन ये जो हिंदी है ये कई जो नॉन रूरल पॉपुलेशन है वो ज्यादातर लोग बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी भी एक डायलेक्ट है हिंदी लैंग्वेज की, उसको ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। उसके अलावा उड़िया भी कई जगह बोली जाती है, जो भी मतलब स्टेट नेबरिंग स्टेट है उनसे जो भी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होके आई वो सब बोली जाती है। यहाँ पे तेलुगु, मराठी भी बोली जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है। छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है उसको खलताही भी बोलते हैं, जो सराउंडिंग अगल बगल के हिल इस जो पहाड़ी एरिया वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं खल टही, और जो उड़िया स्पीकर है वो इसको लारिया भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, और जैसे कि हल्बी, गोंडी, भत्री, जो कि ट्राइबल पीपल बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ का सेंसस 2011 का फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए बहुत अच्छे से। जो 2001 का सेंसस था और 2011 का, इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। 2001 का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2011 का जरूर आप देखिए। 2011 का जो हिसाब से इसकी पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की 2.56 करोड़ है, यानी कि 55 लाख के आसपास है। उसमें से मेल है 1 करोड़ 28 लाख और फीमेल है 1 करोड़ 27 लाख, यानी कि 1.27 लाख
छत्तीसगढ़ का जो लास्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ था वो था 22.61%, यानी कि लास्ट 2001 से लेके 2011 तक जो 10 साल थे उसमें से छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ, 22.61%। और ये 2000 जो लास्ट डिकेड था उसमें 18.06% से ज़्यादा है, तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पिछले डिकेड में यानी कि 1991 से लेके 2001 तक जो इनका डिकेडल ग्रोथ था वो 18% था, और जो इस डिकेड में आया 2001 से लेके 2011 तक वो 22% हो गया, 22.6। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे चिंता का विषय है। और की जो टोटल पॉपुलेशन है यानी कि 2.56 करोड़, वो इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 2.11% है। छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो यानी कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 नंबर ऑफ मेल, छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है स्टेट वाइज, सबसे नंबर वन है केरला, और ये है 991। चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो भी काफी अच्छा है, 969। ओवरऑल इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है वो बताइएगा। छत्तीसगढ़ की डेंसिटी है 189 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 189 लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में। बता चुका हूँ एरिया 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर है, 10th रैंक है इसकी एरिया वाइज और 17th रैंक है पॉपुलेशन वाइज। छत्तीसगढ़ में लाख के करीब चाइल्ड जो भी होता है, कहीं भी चाइल्ड सेक्स रेशियो लिखा है या चाइल्ड पॉपुलेशन लिखा है, तो 0 से लेके 6 ईयर मेल जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो है 18 लाख, और फीमेल जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो है मेल है 18.5 लाख और फीमेल है 18 लाख। लिटरेसी जो छत्तीसगढ़ की 2011 के सेंसस के हिसाब से थी वो थी 71.04%। लिटरेसी इंडिया में कहीं भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि 7 साल से ऊपर होना चाहिए और लैंग्वेज में लिख सके, पढ़ सके और बोल सके और समझ सके, वो होता है लिटरेट इंडिया में, तो उसी हिसाब से लिटरेसी निकालते हैं। मेल लिटरेसी जो छत्तीसगढ़ की वो 81.45% है और फीमेल लिटरेसी 60% के करीब है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लिटरेट लिखे हुए हैं यानी कि 2.65 करोड़ में से 1.53 करोड़ ही लिटरेट हैं, क्योंकि जो 7 साल से नीचे वाले हैं वो कंसीडर ही नहीं किए जा रहे हैं। मेल लिटरेट है उसमें से 88 लाख, फीमेल लिटरेट है 65 लाख। रूरल का अगर आप रेशियो देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल अगर आप एरिया ले लो टोटल पॉपुलेशन में, तो 2.56 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से उसका 76.76% यानी कि इतना परसेंट गलत बन गया ये। नहीं, पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की उसका करीब अगर आप देखें तो 23.25 24% ये पॉपुलेशन अर्बन है, अर्बन एरियाज में रहती है, अर्बन पॉपुलेशन है। बाकी 76.76 जो परसेंट पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। तो छत्तीसगढ़ का जो अर्बनाइजेशन परसेंट है वो है 23%, 23.24% के करीब है। टोटल यानी कि 2 करोड़ 65 लाख है, उसमें से 1 करोड़ 96 लाख रूरल एरिया में रहती है और बाकी 59 लाख अर्बन एरिया में रहती है, उसमें से मेल और फीमेल दिया हुआ है। रूरल एरिया का जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो है ये काफी कम है, 17.78%। अर्बन एरिया का काफी ज्यादा है, 41.84%, मतलब पूरे इंडिया में जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहा है। रूरल एरिया का सेक्स रेशियो जनरली किसी भी स्टेट में ज्यादा ही होता है जो वहाँ का ओवरऑल सेक्स रेशियो होता है, वैसे यहाँ भी ओवरऑल सेक्स रेशियो कितना था, 991। हाँ, और यहाँ पे जो रूरल एरिया का छत्तीसगढ़ में रेशियो है सेक्स रेशियो वो 1001 है, अर्बन का हमेशा कम होता है 956, क्योंकि अर्बन में बाहर से माइग्रेट करके मेल आ जाते हैं जॉब पर्पस के लिए, इसलिए सेक्स रेशियो, और भी कई सारे रीजन होते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से 6 ईयर तक की पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे, ओवरऑल था 969 अभी हमने देखा था। हाँ, और ये रूरल एरिया में है चाइल्ड सेक्स रेशियो 977, अर्बन में 937,
पॉपुलेशन रूरल एरिया में 29 लाख है और अर्बन एरिया में 7 लाख है। तो रूरल एरिया की चाइल्ड पॉपुलेशन का परसेंट है 14.92 और अर्बन एरिया का है 12.41। एवरेज लिटरेसी रूरल एरिया में कम है, 65.99% है, ओवरऑल 71% है, और अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, 84.05% है। मेल लिटरेसी रूरल एरिया में 76.98% है, और मेल लिटरेसी अर्बन एरिया में 90.58% है। फीमेल लिटरेसी रूरल एरिया में 55% है और अर्बन एरिया में है 73%। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स हैं ये छत्तीसगढ़ का, ये आपको जरूर याद रखने चाहिए। लास्ट में मैंने समरी बना के दी है। ये लोकसभा की जो छत्तीसगढ़ में सीटें हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी छत्तीसगढ़ में, वो 11 है। राज्यसभा की छत्तीसगढ़ में सीटें 5 हैं, और ओवरऑल जो लेजिस्लेटिव असेंबली की यानी कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 91 MLAs होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 90 इसमें से इलेक्टेड होते हैं, यानी कि 90 का जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है उसके थ्रू आते हैं, एक नॉमिनेटेड होता है। तो इस समय टोटल, और छत्तीसगढ़ में यूनिकैमरल सिस्टम है, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और उसमें 91 सीटें हैं। नेटिव लैंग्वेज छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी है। 12% जो इंडिया का फॉरेस्ट है वो छत्तीसगढ़ में है, और करीबन 44% के आसपास स्टेट का लैंड फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट मतलब स्टेट का जितना भी एरिया है छत्तीसगढ़ का, 1,35,000, उसका 40% से ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट एरिया है छत्तीसगढ़। ये हिंदी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और मेनली जो छत्तीसगढ़ फेमस है वो एग्रीकल्चर के लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो 80% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में ही लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोलते हैं, यानी कि बाउल ऑफ राइस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो सेंट्रल के जो प्लेन्स वाले जो फर्टाइल प्लेन्स है उसमें राइस का कल्टीवेशन होता है, और मेजर जो यहाँ की क्रॉप है वो राइस है। छत्तीसगढ़ का फीमेल सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, ये मैंने एक जगह बोल दिया था, सेकेंड नंबर पे है ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसमें 5th पोजीशन पे है ये ओवरऑल, वो सेकंड नहीं है, वो मैं गलत बोल गया था। छत्तीसगढ़ का देखिए सेक्स रेशियो ये दिया हुआ है 1901 से लेके अगर 2011 तक देखें, सेंसस का जो 2011 का मैंने पूरा 2-3 वीडियो बना चुके हैं चुका हूँ मैं, उसमें देख लीजिएगा आप पूरा सेक्स रेशियो। तो देखिए इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 972 था, 946 था, और इस समय 941 है, ये गलत दिखा हुआ इसमें, लेटेस्ट जो है 941 है पूरे इंडिया का। छत्तीसगढ़ का जो सेक्स रेशियो है देखिए गिरता जा रहा है ना 1901 से लेके, लेकिन 2001 से बढ़ गया था, तो इस समय छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो है 991। एंशियंट टाइम पे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसला भी बोलते थे, और ये जो है यहाँ पे मराठा एम्पायर भी काफी पॉपुलर था। तो फाइनली छत्तीसगढ़ को ऐसे छत्तीसगढ़ यूज किया गया था ऑफिशियली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 1795 में, और ये कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 36 एशियन पोर्ट थे, लेकिन फिर कुछ ग्रुप ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर कुछ ने बोला था कि यहाँ पे जो छेदीज हैं वो एम्पायर रहते थे, और छेदी डायनेस्टी कलिंगा की थी, इसलिए इसको ये मतलब पहले छेदीसगढ़ था और फिर उसको करप्ट फॉर्म करके छत्तीसगढ़ बना दिया। तो ये कुछ नाम में ये डिस्कशन है इसका नाम पड़ा। हाईएस्ट पॉइंट जो छत्तीसगढ़ का है वो है बैलाडीला रेंज, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट सिर्फ अकेला इकलौता जो वर्किंग इस समय है एयरपोर्ट वो है रायपुर में। छत्तीसगढ़ में राइस मेन क्रॉप है, मैंने बताया आपको 77% भी है छत्तीसगढ़ का, उसमें राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, और करीबन केवल 20% के आसपास छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो अंडर इरिगेशन है, और बाकी रेनफेड एरिया है, मतलब वो डिपेंड रहता है रेन पे। को बोलते हैं राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया। फॉरेस्ट का जो छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया है उसमें से 41.33% देखिए फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करता है, उसमें रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिलते हैं, वुड, तेंदू लीव्स, हनी और लैक। जो इसमें से जो जो टोटल 41.33% जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से 3% वेरी डेंस फॉरेस्ट है, 26% के करीब मॉडरेटली डेंस है, 12.28% ओपन फॉरेस्ट है, और 0.09% स्क्रब है। छत्तीसगढ़ मिनरली मिनरल में भी काफी रिच है,
पूरे कंट्री की इस समय जो टोटल सीमेंट है उसका 20% के आसपास। ये देखिए फिगर में थोड़ा सा ये डाउटफुल है, क्योंकि ये मैंने जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और जगह कुछ और लिखा हुआ है, किसी जगह 18 लिखा हुआ है, किसी जगह 23% लिखा हुआ है। तो करीबन मतलब काफी एक बड़ा हिस्सा जो टोटल सीमेंट है का जो छत्तीसगढ़ से प्रोड्यूस होता है। कोल प्रोडक्शन में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इस समय कोल का, एंड में सबसे ज्यादा रिजर्व है। लेटेस्ट जो डेटा है मिनरल का, उसके हिसाब से कोल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड नहीं है। झारखंड में सबसे ज्यादा रिजर्व है और छत्तीसगढ़ में सेकंड हाईएस्ट रिजर्व है। छत्तीसगढ़ आयरन ओर के प्रोडक्शन में थर्ड है और टिन के प्रोडक्शन में तो इकलौता छत्तीसगढ़ ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंडिया का टिन का प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट नंबर पे है। बस फर्स्ट क्या मतलब, एक ही स्टेट है, जब इट इज ओनली टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। डोलोमाइट बॉक्साइट यहाँ पे काफी अबंडेंट है, और भी कुछ कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स मिल सकते हैं, कोरंडम, गार्नेट, क्वार्ट्ज, मार्बल और एलेक्जेंड्राइट और डायमंड्स। डायमंड्स एमपी में भी मिलते हैं और छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ जीके थी सीजीपीएससी के लिए, और ये छत्तीसगढ़ के जो पीसीएस एग्जाम्स हैं और जो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं छत्तीसगढ़ के, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आपको ये पसंद आएगा वीडियो तो बाकी सेकंड पार्ट भी लाएंगे, प्योर हिंदी में भी उसको अपलोड कर देंगे हिंदी स्क्रिप्ट के साथ। हमारा ग्रुप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये facebook.com/groups और /study4civil services है, ये आप इसको अगर इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको जो भी अपडेट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, वो सब फ्री में इसमें मिल जाएंगी। एड्रेस है facebook.com/study4civil services एंड दिस इज माई एड्रेस, यू कैन ऐड मी फिर किसी भी कोई भी असिस्टेंट के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।